गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फरवरी महीने से लेके अगस्त 20 तक के जीएसटीआर 3B में जो आईटीसी आप क्लेम करना है उसका नया प्रोसेस क्या है, किस तरीके से एडजस्टमेंट जो है वो किया जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटीआर 3B में आईटीसी लेने का जो न्यू एडजस्टमेंट है वो अच्छे तरीके से समझ में आ सके। लेट स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको सबसे पहले दिखाने वाला हूं एग्जाम्पल और उसके बाद हम लोग देखेंगे रूल्स कि क्या बातें लिखी गई हैं इस रूल्स को लेकर के। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा है मंथ फरवरी से लेके अगस्त 2020 तक का लिस्टिंग मैंने यहां पर किया है। इसके बाद जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे बुक्स के अंदर है वो मैंने लिख लिया है। जैसे फरवरी महीने में 1 लाख का है, मार्च महीने में 1.5 लाख का है, अप्रैल महीने में 2 लाख का है, मई महीने में 1.5 लाख का आईटीसी है, जून महीने में 2,54,000 का आईटीसी है, जुलाई महीने में 1,35,000 का आईटीसी है, अगस्त महीने में 1,80,000 का आईटीसी हमारे पास बुक्स में अवेलेबल है। ये मैंने एग्जांपल लिया है, फिगर्स आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। टोटल आईटीसी जो होगा एज पर बुक्स वो होगा 11,69,000 का। अब मैं आपको रूल एक समरी वाइज में बता दूं कि रूल ये कह रहा है, जो अमेंडेड रूल है, कि फरवरी से लेके अगस्त महीने तक जो आपकी कंडीशन है 10% वाली वो आपको लागू नहीं करनी है। क्यूमुलेटिवली आप उस चीज को लागू करेंगे सितंबर 20 में। तो क्यूमुलेटिव जो होगा वो किस तरीके से होगा, अब देखिए एलिजिबल आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2A, ये हो गया हमारे पास मंथ वाइज डेटा आईटीसी एज पर बुक्स। अब यहां पे आईटीसी एज पर GSTR 2A जो कि आपके सप्लायर ने अपने GSTR 1 में अपलोड किया होगा उसके बेसिस पे। यहाँ पर ध्यान ये रखना है मैंने वर्ड यूज किया है एलिजिबल आईटीसी। एलिजिबल आईटीसी का मतलब ये होगा कि GSTR 2A में जो इनवॉइसेस आएंगे वो आपको पहले बाइफरकेट करना होगा कि उसमें एलिजिबल कौन सा है, इन एलिजिबल कौन सा है एज पर द प्रोविजंस ऑफ GST एक्ट। तो यहां पर मैंने एलिजिबल आईटीसी का अमाउंट लिखा है फरवरी से लेके अगस्त महीने का जो बनता है 9,77,000। अगर पुराने रूल के हिसाब से ही चलते तो हम लोगों को 2A के अंदर जो इनवॉइसेस आ रहा है उसका मैक्सिमम 110% तक ही मिल सकता था क्रेडिट, लेकिन अब ये बता दिया गया है कि फरवरी से लेके अगस्त महीने में आपको 10% वाली कंडीशन चेक नहीं करनी है। जितना आपका आईटीसी आ रहा है बुक्स में वो पूरा आप क्लेम कर लें और फरवरी से लेके अगस्त महीने का जो है वो इकट्ठा आप सितंबर में एडजस्ट कर लेंगे। तो अब देखिए एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी में मैंने जो हमारा आईटीसी एंड बुक्स था वही वाला फिगर मैंने पुटअप कर दिया है जो कि हम लोग फरवरी से लेके अगस्त महीने की 3B में क्लेम करने वाले हैं, यानी कि 11,69,000 क्लेम हम लोग 3B में कर लेंगे, जबकि GSTR 2A में 9,77,000 आता है। और इसका जब 110% निकालेंगे तो आप देखेंगे 10,74,700 का फिगर जो है वो निकल के आएगा, यानी कि हम लोगों ने 11,69,000 का क्रेडिट ले लिया है जबकि बनना चाहिए था 10,74,700। तो ये मैंने फिगर लिखा है आईटीसी एलिजिबल फॉर फरवरी टू अगस्त 20 एज पर रूल 36(4). 36(4) कहता है 2A के अंदर जो इनवॉइसेस आएंगे उसका 110% आप क्लेम कर सकते हैं जो कि बनता है 10,74,700। इसका मतलब ये हुआ कि जब सितंबर महीने की अपनी GSTR 3B भरी जाएगी तो उस पीरियड के अंदर हम लोगों को जो हमने 11,69,000 का आईटीसी लिया जबकि लेना था हमें 10,74,700 क्यूमुलेटिव करना है इसको, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है जो एक्सेस निकलेगा 94,300 का आईटीसी हम लोगों को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आप मंथ वाइज नहीं चेक करना है, क्यूमुलेटिव करना है। इसीलिए मैंने यहां पर सारा एडिशन करने के बाद इसका 110% निकाला है और इससे लेस कर दिया है जो हमने ऑलरेडी क्लेम किया है। तो एक्सेस हमने क्लेम किया 94,300। अब सितंबर महीने में जब पहुंचेंगे तो सितंबर महीने में हमारे पास बुक्स में रहेगा 2 लाख का आईटीसी, GSTR 2A में आ रहा होगा 1 लाख का आईटीसी। सितंबर महीने से नॉर्मल प्रोविजन आपको लागू करना है, यानी कि 1 लाख का 110% आप क्लेम कर सकते हैं सितंबर के महीने के लिए जो आ गया हमारे पास 1,10,000,
और ये जो एडजस्टमेंट थी 94,300 की फरवरी से लेके अगस्त महीने की, वो हमने यहां पर रिड्यूस कर दिया है क्योंकि हम लोग एक्सेस क्लेम कर चुके हैं। तो हमारे पास जो सितंबर महीने में आईटीसी बचेगा 3B में क्लेम करने के लिए, वो बचेगा 15,700 रुपए का। तो इस तरीके से आपको अब कैलकुलेशन करके चलनी होगी एडजस्टमेंट्स के लिए कि आपकी मंथ वाइज क्या आईटीसी बुक्स में है, क्या आपके जीएसटीआर 2A में आ रहा है, और अकॉर्डिंगली फिर आपको एडजस्टमेंट करना होगा। अब रेलिवेंट रूल मैं आपको दिखा दूं जो अमेंड किया गया है, इसमें बताया गया है इन द सेड रूल इन सब रूल 4 ऑफ रूल 36 द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी इंसर्टेड दैट द सेड कंडीशन ऑफ 10% shall apply cumulatively for the period February, March, April, May, June, July and August 2020 and the return in GSTR 3B for the month of September 2020 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the condition. So, September महीने में आपको सारी adjustment जो है वो complete कर लेनी है, लेकिन कैलकुलेशन आपको करके रखना होगा हर महीने का, ताकि आप ये पता कर सकें कि सितंबर महीने में जब आप क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आईटीसी आपके बुक्स में था, क्या आईटीसी आपके जीएसटीआर 2A में आ रहा था, कितना आपने क्लेम किया है और उसका 110% कितना एक्सेस आपने ले लिया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब आप अपनी कैलकुलेशंस जो है वो अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपको अभी भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। अगर आपके कमेंट का रिप्लाई देने में समय लगता है तो आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, आपकी क्वेरी का रिप्लाई जो है वो जल्द से जल्द दिया जाएगा। अगर आपको कमेंट में नहीं मिल रहा है रिप्लाई तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं और उसके अंदर भी अपनी क्वेरीज आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट अस का जो सेक्शन है उसमें आप जाएंगे तो आपको कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द क्वेरी और अपनी क्वेरी की डिटेल्स जो है वो भेजनी होंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने ओपन करा है कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन जो हमारे वेबसाइट के अंदर दिया गया है। इसमें आप ये डिटेल्स भेजने के बाद विद इन 48 आवर्स आपको रिप्लाई किया जाएगा। अगर आपको यहाँ पर भी रिप्लाई नहीं मिलता है विद इन 48 आवर्स तो आप उसके लिए हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको जीएसटी के एक्ट और रूल्स को पढ़ना है तो उसके लिए आप हमारी पेनड्राइव भी परचेज कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। जब आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इस पे पोस्ट्स और आर्टिकल्स जो हैं जो हमने वीडियो अपलोड करा है उससे रिलेटेड डेटा भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, तो आप उन सारे आर्टिकल्स को भी पढ़ सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि आरबीआई ने जो अनाउंस किया है लोन से रिलेटेड वेवर्स, वो सारी चीजें इसमें आपको अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएंगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि फरवरी महीने से लेके अगस्त महीने की जो जीएसटीआर 3B में है उसमें अब आईटीसी कैसे लिया जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यूनिंग किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।